हे गाइस, वेलकम हेयर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ कुछ मोटिवेशनल डेटा शेयर करेंगे। यार, ऑल डेटा जो है ना, वो क्रेजी डेटा है, क्रेजी, जिसको देखने के बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा, हाउ इट्स पॉसिबल। और अगले नेक्स्ट कुछ मिनट में आप सोचोगे, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सच में यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को लिंक्डइन के डेटा के साथ। आप में से बहुत सारे लोगों का अकाउंट लिंक्डइन पे होगा। ये वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल वर्ल्ड का। और आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, 2003 में इसका लॉन्चिंग हुआ था और आज 2021 में इनके पास 800 मिलियन यूजर हैं। जस्ट क्रेजी। अब बात करते हैं डिज्नी का। अपन सब हॉटस्टार पे क्रिकेट मैच देखते हैं और हॉटस्टार जो है डिज्नी के अंदर ही आता है। और डिज्नी का लॉन्चिंग 2 नवंबर में हुआ था 2019 में, और आज डिज्नी के पास 118 मिलियन यूजर। नेक्स्ट डेटा है आईफोन से रिलेटेड। और अपन सब क्रेजी होते हैं, अपन सब लोग सोचते हैं यार आईफोन खरीदना है। कहीं ना कहीं सबका ड्रीम फोन होता है, बहुत सारे लोगों का। तो 2007 में 1 मिलियन यूजर थे आईफोन के मार्केट में, आज 2021 में 237 मिलियन यूजर। अब बात करेंगे कुछ बिग कंपनीज के स्टॉक्स के बारे में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज से 20 ईयर पहले यदि अपन लोग कुछ इन्वेस्ट किए होते तो उसका क्या रिटर्न मिला है इन कंपनियों में। नेटफ्लिक्स में आपको दिख रहा होगा 56,954% का। और इसका मतलब अगर आज से 20 साल पहले अपन 100 रुपीज लगाए होते इसमें, तो आज की डेट में उसका प्राइस होता, मतलब अपन को गेन मिलता 56,954 का। जस्ट क्रेजी। इसी तरह से नीचे में बहुत सारे कंपनी है। नेक्स्ट डेटा है कुछ बिग कंपनीज के रिवेन्यू से रिलेटेड। इनमें कुछ कंपनीज का लिस्ट है और इनमें दिखाया गया है कि सबसे ऊपर अमेजन और गूगल है अपना 1 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप बनाने में सिर्फ 5 ईयर्स में। अब आपको दिख रहा होगा रिवेन्यू ईच मिनट मिनट ओ माई गॉड, 1 मिनट का रिवेन्यू। जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस नंबर विल बी। आप कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में कि एक दिन में इनका कितना होगा। रियली भाई, कितने सारे डिजिट होंगे। आप सब तो जैक मा को जानते ही होंगे। ये डेटा है जैक मा की कंपनी अलीबाबा के सेल्स से रिलेटेड। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा आईपीओ डे स्टॉक परफॉर्मेंस। आप में से बहुत सारे लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते होंगे, बहुत बार आपको मिलता भी होगा, बहुत बार नहीं भी मिलता होगा। और ये जो डेटा है आईपीओ से रिलेटेड है, और ये डेटा जो है वो आईपीओ का रिटर्न है, मतलब लिस्टिंग डेट पे, लिस्टिंग जब हुई ये कंपनी तो वो इस तरह का रिटर्न दी। आप सभी जानते होंगे इन बिग नेम्स को, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, सभी जानते होंगे। और यहाँ पे उन लोगों का नेटवर्थ दिखाया गया है इस पेज पे। इन चेहरों का कंबाइंड नेटवर्थ है 1 ट्रिलियन डॉलर। यस गाइस, आजकल यूट्यूब के वीडियो पे दो दो एड्स आने लगे हैं, और उस एड से अब आप देखो कंपेयरिंग वैल्यूएशन ऑफ टेस्ला, एक तरफ टेस्ला और एक तरफ सारी बड़ी कंपनीज, सारी बड़ी कार कंपनीज लाइक टोयोटो, फरारी, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड्स। और एक तरफ टेस्ला 1 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप, और इन सब का मिला के 955 बिलियन डॉलर ओनली। तो आपको दिख रहा होगा कि पिछले कुछ सालों में टेस्ला ने कितना ग्रो किया है। अब आपको दिखेगा नेक्स्ट लेवल का क्रेजीनेस डेटा, टाइम टू रीच 1 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू। इसमें बिटकॉइन को लगा ओनली 12 ईयर्स, फेसबुक 17 ईयर्स, और गूगल, अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट का भी दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि बिटकॉइन को ओनली 12 ईयर्स लगा। और आप सब जानते हो क्रिप्टो जो है वो फ्यूचर है। यहाँ आप देख सकते हो 1 बिटकॉइन का प्राइस ईयर वाइज। अक्टूबर 2010 में ये 0.10 डॉलर था, और आज अक्टूबर 2021 में 16,000 डॉलर है। इससे आप सोच सकते हो कि क्यों बिटकॉइन ओनली 12 ईयर्स में 1 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप बनाया। और आप देख सकते हो कि रिटर्न, इसका ग्राफ अलग लेवल का एक्सपोनेंशियल बनेगा।
अगर आप लोग क्रिप्टो के बारे में पढ़ते होंगे या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शिबा कॉइन के बारे में पता ही होगा, और इनमें बहुत सारे कॉइन हैं जिसके बारे में आपको पता होगा। और इन सारे कॉइन का 2021 का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया हुआ है, और आप देख सकते हो कि शिबा कॉइन का रिटर्न मतलब कितना बड़ा नंबर है यार। आप स्क्रीन को पॉज करें और थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करें कि अगर आप एक साल पहले $100 यदि लगाए होते इन सब कॉइन्स में, तो आज उसका वैल्यू कितना होता, जस्ट इमेजिन। और आपको स्क्रीन पे उसका वैल्यू दिख रहा होगा। अब आपको स्पॉटिफाई जहाँ पर लोग गाना सुनते हैं उसका प्रीमियम सब्सक्राइबर दिख रहा होगा, 2008 में 0 था और आज 2021 में 172 मिलियन है। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा कि अपन लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसको कितना टाइम लगा 1 बिलियन यूजर बनाने में, तो फेसबुक को 8 ईयर्स 8 मंथ लगा था। इसी तरह से व्हाट्सएप का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का डेटा यहाँ दिया हुआ। इस तरह के बहुत सारे डेटा हम इंटरनेट से कलेक्ट किए थे, और ये ध्यान रखते हुए कि आप बोर फील ना करें, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, कुछ मोटिवेशन मिला होगा आप लोगों को, पता चला होगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए आप अपने भाई के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।